येस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा इन ड्यूटेरियोमाइसिटिस जो क्लास इन फंजाई इम्परफेक्ट आई है बेटा उसमें हमने टू मेंबर्स स्टडी करने हैं. वन इज़ स्पोरोबोलोमाइसिस अनदर इज क्रिप्टोकोकस. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द जीनस स्पोरोबोलोमाइसिस विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ मेंबर ड्यूटेरियो माइकोटीना. सो स्पोरोबोलोमाइसिस दिस जीनस हैज़ 9 स्पीशीज विच ग्रो सेपरोबिकली ऑन द फ्रूट्स सेनिसेंस एंड द लीव्स स्मर्ट एंड द रस्ट इन्फेक्टेड लीव्स. ठीक है एंड फ्रिक्वेंटली जो बेटा अगर हम इसकी कॉलोनीज को देखें अगर आप कहें कि हमें इसका कल्चर करना है अदरवाइज इट इज़ नॉट ईजी टू कल्चर द स्पोरोबोलोमाइसिस. हाउ वी गेट इट कल्चर एज यू कैन सी इन द डायग्राम देर इज अ मिरर पिक्चर ऑफ लीव. व्हाट इज अ मिरर पिक्चर ऑफ लीव? एनी लीव इन्फेक्टेड विद द स्पोरोबोलोमाइसिस. देखिए अगर आप ध्यान से इस लीव को देखो कि स्पोरोबोलोमाइसिस ने उस लीव के ऊपर अटैक किया था. इफ यू टेक दैट लीव एंड पुट इट ऑन द अगार मीडियम पेट्री डिश, जिस पेट्री डिश में अगार मीडियम जो सॉलिडिफाई है उसके ऊपर बेटा अगर आप लीफ रख दो एंड आफ्टर 1 to 2 days आप लीफ को उठा दीजिए एंड आफ्टर एट द नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन ऑफ 25 degrees एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 70% यू कैन सी अ ब्यूटिफुल कॉलोनी विद इन अ वीक जस्ट एज अ मिरर पिक्चर ऑफ द लीफ बिकॉज इट ग्रोज ऑन द मार्जिन एज वेल एज द वीनल एरिया ऑफ द लीव. सो दिस इज हाउ वी कैन कल्चर द स्पोरोबोलोमाइसिस. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज यीस्ट. सो एंड मोर एवर दे डिवाइड एज अ यीस्ट. ठीक है बेटा जैसे यीस्ट जो होती है जैसे यीस्ट डिवाइड करती है. यीस्ट कैसे डिवाइड करती है? विद द हेल्प ऑफ ये देखिए बर्ड सेल से. दे ऑल्सो डिवाइड बाय द बर्ड सेल एंड दीज बर्ड सेल दे विल हेल्प इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पोरोबोलोमाइसिस. सो हियर यू कैन सी देर आर सब ब्लास्टियोस्पोर्स. नाउ व्हाट इज द ब्लास्टियोस्पोर्स? ब्लिस्टोस्पोर्स क्या होते हैं बेटा? ब्लिस्टो का मतलब ब्लास्ट, इसका ये टर्म आई है फ्रॉम द ब्लास्ट. तो ये जो स्पोर्स बनते हैं दे गेट रिलीज्ड विद द हेल्प ऑफ अ जर्क, अ प्रेशर, अ ग्लास ब्लिस्टर बेटा होता है. एक गैस का इतना बड़ा ब्लिस्टर बनता है. ठीक है सो ये मैंने वैसे आपको अभी बताया भी है कि कैसे मिरर पिक्चर ऑफ द लीफ जो है ये आप इससे ऑब्टेन करोगे और यहाँ पर दे विल इंक्रीज देयर नंबर विद द हेल्प ऑफ बर्डिंग. सो बेटा दिस इज दिस स्ट्रक्चर एट विच दिस ब्लास्टोस्पोर्स दे आर अटैच्ड विद द स्ट्रिग्मेटा दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रिग्मेटा. तो बेटा स्ट्रिग्मेटा के पास से एक गैस ब्लिस्टर बनता है विच विल गिव अ जर्क, एक जर्क देता है वो. ठीक है और ये स्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं एंड यूजली दे आर द किडनी शेप एंड इन ओल्ड कल्चर. जब बेटा कल्चर बहुत ओल्ड हो जाता है दे फॉर्म द शॉर्ट ब्रांच्ड हाइफी बेरिंग द वेरियस ब्लास्टियोस्पोर्स. नेक्स्ट बेटा जो वायलेंट डिस्चार्ज है बेसिडियोस्पोर्स का, बुलर ने ये सबसे पहले प्रपोज किया कि ये जो एक जेट ऑफ गैस है दैट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करती है इनसाइड द बबल एंड इट विल जर्क ऑफ द बर्ड फ्रॉम द स्टिग्मेटा. राइट एंड इन 1964 ऑलिव ने ये रिपोर्ट किया द गैस टू बी कार्बन डाइऑक्साइड बट इन गोल्ड ने ये कहा दैट इट इज़ अ क्लोज अप्रॉक्सीमेशन विद द कार्बन डाइऑक्साइड बट दैट इज नॉट द प्योर कार्बन डाइऑक्साइड. राइट सो